हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोलिंग स्टोन। सो फाइनली आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं मोस्ट वांटेड वीडियो ऑफ मालदीव्स, दैट इज आइटनरी एंड टोटल कॉस्ट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ हाउ यू कैन प्लान, हाउ विल बी योर आइटनरी एंड टोटल बजट आपका कितना होगा एंड टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, कैसे आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल होगी इस वीडियो में। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ हाइलाइट्स भी दिखाऊंगा जो कि हमने टोटल मालदीव्स घूमने में कैप्चर किए हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है फ़्लाइट बुकिंग। सो फ्लाइट बुकिंग गाइज आपको मिनिमम 2 to 3 months पहले करनी है, सो दैट आपकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप आपकी फ़्लाइट बुकिंग एडवांस में बुक करेंगे। एंड इसी के साथ आपको फ़्लाइट मल्टीपल साइट्स पे जाके अपने क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में चेक करनी है। एंड आप चेक कर सकते हैं मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, गोआईबीबो, फ्लिपकार्ट, मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ पे आप, जहाँ से आपको कम प्राइस मिले वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मे बी आपको कोई अच्छी डील मिल जाए। जैसे कि मैंने अलीपुरिया ट्रैवल्स को रेफ़र किया जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी अपनी मालदीव्स ट्रिप को प्लान करने में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी दे देते हैं। आप इसमें फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग कुछ भी बुक कर सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंस रहे। सो फ़्लाइट आप ऐसी बुक करिए जो 1 बजे दोपहर के लैंड हो जाए, सो दैट आप जल्दी चेक इन कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होटल बुकिंग। सो होटल बुकिंग भी आपको 2 से 3 month पहले ही करना है, मल्टीपल साइट्स पे जाके चेक करना है जैसे कि गोआईबीबो, अगोडा एंड booking.com, मेक माई ट्रिप। एंड आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अलीपुरिया ट्रैवल को कॉन्टैक्ट किया था, इन्होंने काफ़ी अच्छी डील दी थी मुझे। एंड कॉस्ट बचाने के लिए आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप अपनी बुकिंग 3 month पहले कीजिए और आप किसी भी साइट से बुक कर लीजिए। एंड बुक करने के बाद आप फ्री कैंसिलेशन वाली करिए एंड बैक टू बैक हर दिन चेक करते रहिए क्योंकि प्राइस डे बाय डे कम होते रहते हैं। सो ऐसे आप एक कैंसिल करके नई कम रेट प्राइस वाली बुक कर सकते हैं अपने होटल बुकिंग। एंड ऐसे करते करते हमने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 बचा लिए थे, बिकॉज ये काफ़ी प्राइस वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वीकेंड्स पे भी वेरी करते हैं। तो आप डेली चेक करिए, आपके काफ़ी पैसे इस चीज़ में बच सकते हैं। अब बात करते हैं चेकलिस्ट की। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए दिल्ली से मालदीव्स जाने के लिए? आपको बोथ साइड की एयर टिकट चाहिए, होटल बुकिंग सारे दिनों की चाहिए, एंड आपको एक इमूगा पे जाके, इमूगा की वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म रजिस्टर करना है जहाँ पे आपको बारकोड मिलेगा जो कि इमिग्रेशन टाइम काम आएगा। सेम पासपोर्ट चाहिए एंड मालदीव से वापस आते हुए भी आपको एयर टिकट, होटल बुकिंग, इमूगा की साइट पे जाके फॉर्म भरा होना चाहिए एंड उसका बारकोड होना चाहिए। एंड लास्ट में एक एयर सुविधा का फॉर्म आता है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड इमूगा का भी। एंड उसी के साथ आपको पासपोर्ट एंड कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए सो दैट आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो तो आपकी इमिग्रेशन जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। एंड गाइज, होटल बुकिंग एंड एयर टिकट होना बोथ साइड की ज़रूरी है बिकॉज इसके बिना इमिग्रेशन आपको क्लियरेंस नहीं देगा बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन, चेकिंग बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर यू हैव ऑल द थिंग्स। एंड पब्लिक रिजॉर्ट की बात की जाए तो पब्लिक आइलैंड में माफूशी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर एवरीवन बिकॉज माफूशी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम कॉस्ट में मिलती हैं एंड बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड ड्यू टू फैसिलिटीज़ यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है एंड प्राइस बहुत कम है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आइलैंड है लाइक हुमाले एंड बैंडोस, बहुत सारे पब्लिक आइलैंड है, बट माफूशी इज़ द बेस्ट बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं। तो मैं कुछ होटल सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि है कानीपाम सी व्यू जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000, एरिना, ट्राइटन। सो अगर आप पब्लिक आइलैंड पे प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम 3 nights प्लान करिए, और इसका भी आपको अगर प्लानिंग करनी है तो मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 months से पहले बुक कीजिए सो दैट आपकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं बिकॉज पब्लिक आइलैंड काफ़ी सस्ते हैं, तो आप एक अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते का भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। सो प्राइवेट रिजॉर्ट का बुक करने का भी सेम क्राइटेरिया है, अगर आपको कॉस्ट सेव करनी है 2 to 3 months पहले बुक करिए
और जो भी आप प्राइवेट रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि वो माले एयरपोर्ट से पास हो, बिकॉज़ जितनी दूर आप बुक करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी ट्रांसफ़र की। यहाँ पे मालदीव्स में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है ट्रांसफ़र की लगती है। अगर आप जितनी ज़्यादा दूर करेंगे तो मे बी हो सकता है आपको वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन भी लेना पड़े, तो इसीलिए आप नियर से नियर बुक कीजिए। तो कुछ मैं होटल्स दे रहा हूँ आपको जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि पैराडाइज, सनशाम, अदारन प्रेस्टीज, अदारन क्लब, सिनेमन एंड सेंटारा राजफुशी। सो ये काफ़ी अच्छे प्राइवेट रिजॉर्ट हैं जो कि माले एयरपोर्ट के काफ़ी पास हैं। इसको आप बुक करोगे तो आपके ट्रांसफ़र के चार्जेस कम से कम लगेंगे एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इसमें सेव कर सकते हो। एंड मिनिमम आप टू नाइट्स प्लान करिए, तभी आप पूरा इन्जॉय कर पाएंगे। एंड टाइप्स ऑफ मील प्राइवेट रिजॉर्ट में कौन कौन सी हैं, यहाँ से चार टाइप्स की मील हैं। ब्रेकफास्ट है, हाफ बोर्ड में आपको ब्रेकफास्ट प्लस डिनर मिलेगा, फुल बोर्ड में आपको तीनों टाइप्स की मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा कुछ मिलेगा। ऑल इंक्लूसिव में आपकी काफ़ी फैसिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, लाइक तीन टाइप्स की मील मिल जाएगी आपको, ड्रिंक्स मिल जाएंगी, ड्रिंक्स में जैसे टी, कॉफ़ी, कुछ मॉकटेल्स, ऐसी चीज़ें, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आ रहे हैं तो रूम डेकोरेशन मिल जाएगी, कुछ शाम को आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर आप नॉन अल्कोहलिक है तो आप फुल बोर्ड ही सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज आप ड्रिंक्स एंड कुछ स्नैक्स आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं जो कि आपकी काफ़ी कॉस्ट बचा सकते हैं। एंड होटल के जो प्राइस हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं आपकी मील सिलेक्शन पे एंड सीज़न पे। अगर आप दिसंबर में करोगे तो रेट्स काफ़ी पीक पे होते हैं, बिकॉज उस टाइम क्रिसमस होती है एंड काफ़ी ज़्यादा विजिटर उस टाइम विजिट करते हैं। अब बात करते हैं रूम्स प्राइवेट रिजॉर्ट में कैसे होते हैं। यहाँ पे चार पांच तरह के रूम्स होते हैं, लाइक नॉर्मल, डिलक्स, ये सबसे सस्ते होते हैं। एक होता है बीच साइड रूम, ये भी सस्ते होते हैं, बीच साइड विद पूल, ये कुछ कॉस्टली होते हैं। ये बीच साइड पे बने होते हैं एंड बिल्कुल आपको एक्सेस होगा डायरेक्ट बीच का एंड आपके साथ एक रूम के साथ पूल भी होगा। फाइनली सबसे आते हैं सबसे लग्जरी जो रूम्स हैं वो है ओशन विला विदाउट पूल एंड विद पूल। सो विद पूल वाले सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं, बट मालदीव्स में आप इससे भी ज़्यादा लग्जरी जो हैं वो बुक कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव्स में जितना आप लग्जरी लेना चाहें, जितना आपके पास पैसा है तो उतना ही आप लग्जरी ले सकते हैं। एंड आप अपनी स्टे स्प्लिट भी कर सकते हैं, लाइक आप एक दिन बीच विला, एक दिन ओशन विला, ऐसे स्प्लिट भी स्टे कर सकते हैं। एंड इससे भी अगर आप बजट ट्रिप में जा रहे हैं तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र कॉस्ट की इन मालदीव। सो जब आप माले एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ से आप अगर आप पब्लिक आइलैंड पे जाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आपकी, अगर आप पब्लिक फेरी से जाते हो तो $2 की चलेगी। वो डिपेंड होती है वेदर पे, अगर वो नहीं होता तो आपको प्राइवेट फेरी से जाना पड़ेगा जो कि आपको $20 कॉस्ट करेगी पर पर्सन। एंड अगर आप प्राइवेट रिजॉर्ट में जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट स्टार्ट होती है $100 से एंड इट कैन गो अप टू $200 ऑल्सो। और अगर आपका रिजॉर्ट एयरपोर्ट माले से बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको सी प्लेन ही लेना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी पब्लिक प्राइवेट फेरी नहीं चलेगी, वहाँ पे आपको सी प्लेन लेना पड़ेगा जिसकी स्टार्टिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $270 से लेके $450 भी हो सकती है पर पर्सन के लिए। बट टोटली डिपेंड, इससे ज़्यादा भी कॉस्ट हो सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी होटल बुक किया है। मालदीव्स में कॉस्ट बचाना टोटली आप पे है, कितनी लग्जरी आपको चाहिए। एंड अब चलते हैं क्या होगी हमारी आइटनरी मालदीव्स की। सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइटनरी इन पब्लिक रिजॉर्ट। सो यहाँ पे जैसे ही आप माले एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फेरी लेके आप तीन नाइट्स प्लान कर सकते हैं पब्लिक आइलैंड पे। सो फर्स्ट डे आपका चेक इन रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 PM, वो चेक इन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप थोड़ा पहुँचोगे तो रेस्ट भी करोगे एंड शाम को आप चेंज करके कुछ आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। काफ़ी अच्छा वेदर होता है वहाँ पे, बारिश यूजुअली होती रहती है तो वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो। एंड सेकंड डे आप वाटर स्पोर्ट्स प्लान करो, मस्ट है ये। अगर आपने सेकंड डे प्लान नहीं करी तो आपकी वाटर स्पोर्ट्स मिस हो सकती हैं, क्योंकि कई बार वेदर की वजह से ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। देन सेकंड डे फिर एक्सप्लोर कर लो। एंड थर्ड डे अगर आपकी शॉपिंग है तो शॉपिंग का काफ़ी फ़र्क पड़ता है पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट पे, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड अगर कोई पेंडिंग वाटर स्पोर्ट्स है वो भी कर सकते हो, बाकी फिर
लास्ट टाइम आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सो कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स आप प्लान कर सकते हो माफूशी में? सो हमने जो बुक किया था वो $130 का पैकेज था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का पड़ा था, जिसमें कि हमारी पैरासेलिंग, जेट स्की, फन ट्यूब एंड कायाकिंग था। एंड उन्होंने पैरासेलिंग एंड जेट स्की की हमें वीडियो भी बना के दी थी। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप कंप्लीट पैकेज नहीं भी चाहते तो आप इंडिविजुअली भी वाटर स्पोर्ट्स पता कर सकते हो वहाँ पे। जैसे स्कूबा डाइविंग की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट $90 थी एंड पैरासेलिंग की भी $90 विद वीडियो थी। जेट स्की 35 विद वीडियो थी एंड स्नॉकलिंग की भी 35 विद वीडियो थी। सो ये सारी आप कर सकते हो वहाँ पे। लोकल वेंडर्स, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो उनके साथ। बार्गेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पर्सन्स आल्सो, तो आप कम भी कर सकते हो तो वो कई बार मान भी जाते हैं। काफ़ी हमें डिस्काउंट भी उन्होंने स्टार्ट $150 से किया था और वो लास्ट में करते करते $130 पे आ गए थे, जो कि हमारे सीधा $20 पर पर्सन बचे थे। ग्रीनरी इन प्राइवेट रिजॉर्ट है हमारी, माले एयरपोर्ट से आप फेरी लेके जैसे ही पहुंचोगे तो वहाँ पे आप 2 नाइट्स के प्राइवेट रिजॉर्ट कर सकते हो। आप ज़्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। एंड फर्स्ट डे आप चेक इन करते ही थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मोस्टली प्राइवेट रिजॉर्ट्स में कुछ नाइट एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं, जैसे कि नाइट लाइट शो हमने देखा था वहाँ पे, डांस शो भी था, कुछ गेम्स वो एक्टिविटीज़ कराते थे, काफ़ी चीज़ें होती हैं। एंड खाना वहाँ का बहुत अच्छा होता है, तो खाने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम पे पहुँचना पड़ेगा, वो आप रिसेप्शन पे चेक कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप लेट हो गए तो वो खाना बंद हो जाता है, तो आपको उनका जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ से पेड खाना ख़रीदना पड़ेगा। एंड डे टू में आप कुछ वाटर स्पोर्ट्स प्लान कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं आइलैंड को, एंड सेम रात को नाइट एक्टिविटी। देन आप कुछ फाइनली आप पैकअप कर सकते हैं एंड जा सकते हैं वापस। एंड अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट जो हमारी इस पूरी ट्रिप में रही, कितनी हमारी टोटल कॉस्टिंग थी पब्लिक प्लस प्राइवेट रिजॉर्ट में। सो लेट्स सी द चार्ट। एंड पब्लिक में हमने टोटल स्पेंड किया 38,000, जिसमें कि 20,000 हमारे 3 नाइट्स के होटल कॉस्टिंग थी, जिसमें कि हमारे 3 टाइम्स की मील थी, और हमने ग्रीन टैक्स पे किया पर नाइट का वहाँ पे $3 पर पर्सन पर नाइट था, जो कि हमने टोटल 3 नाइट्स का $18 पे किया। एंड प्राइवेट फेरी जो हमने बुक करी वो थी $40 राउंड ट्रिप, एक पर्सन के लिए टोटल $80 हमने पे किया। एंड वाटर स्पोर्ट्स का हमने पैकेज जो बुक किया था वो $130 का था। एंड प्राइवेट रिजॉर्ट पे हमने टोटल स्पेंड किया 80,000 एंड होटल की हमारी टोटल कॉस्ट थी 60,000, जो कि हमें 2 नाइट्स कपल के लिए था। एंड वहाँ पे भी ग्रीन टैक्स होता है, ग्रीन टैक्स हमारा $6 पर नाइट पर पर्सन था। एंड वहाँ पे हमने प्राइवेट फेरी जो कि कॉस्टली थी $120 राउंड ट्रिप की एंड $240 दो पर्सन्स के लिए थी, वहाँ पे कोविड टेस्ट हमने $90 में किया, जो कि अब बंद हो चुका है। एंड ये कुछ हाइलाइट्स जो हम दिखाना चाह रहे हैं हमने मालदीव्स ट्रिप की, जो कि हमारे स्टार्टिंग से लेके एयरपोर्ट पहुँचने से फाइनली माफूशी में पहुँचने तक। यहाँ माफूशी में पहुँच गए थे, कुछ अच्छे व्यूज़। एंड ये कुछ हमने टूर किया था लोकल आइलैंड माफूशी का, जहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लोर किया, अलग अलग वेंडर से बात करी एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान करी। यहाँ पे आप बीचेस भी घूम सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स, पैरा सेलिंग जैसे कि हमने करी। एंड ये कुछ सीन्स जेट स्की के, यहाँ पे हमें वीडियो उन्होंने खुद बना के दी थी, जो कि HD वीडियो उन्होंने बना के दी थी, जिसकी कॉस्ट अराउंड $10 थी। अगर आप वीडियो नहीं भी बनाना चाहते आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड स्कूबा डाइविंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट ये तभी रिकमेंड है अगर आप कम्प्लीटली इस चीज़ के लिए रेडी हो, अदरवाइज़ ये काफ़ी रिस्की है। सो फाइनली पहुँच चुके हैं हम प्राइवेट रिजॉर्ट में, पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा वेलकम किया। सो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ बताया हमारे रूम्स के बारे में। रात को कुछ हमने शार्क फीडिंग करी एंड ये नाइट शो की कुछ सीन्स, ये मस्त आपको देखना चाहिए, ये हर नाइट का होता है एंड काफ़ी वेल एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एंड अलग अलग दिन अलग अलग तरह के शोज़ परफॉर्म होते हैं, जैसे ये लाइट शो, डांस शो, कुछ गेम्स होती हैं।
एंड नेक्स्ट डे सुबह हम सनराइज़ देखने के लिए उठे थे, क्योंकि बहुत अच्छा सीन था यहाँ पे। एंड फाइनली कुछ खाने के लिए, खाने की इतनी ज़्यादा वैरायटी, एंड प्राइवेट पैराडाइज हमने इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि आपको अदर रिजॉर्ट्स में नहीं मिलेगा। एंड ये कुछ सीन्स हमारे पैराडाइज रिजॉर्ट के, जिसको हमने पूरा एक्सप्लोर किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीनरी यहाँ पे, आप काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉप्स, शॉपिंग के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए, एंड यहाँ पे आप रेंट पे स्नॉर्कलिंग किट भी ले सकते हैं। और ये हमारा रूम 702, जो कि अनफॉरगेटेबल, हमारी हमेशा के लिए मेमोरी में कैप्चर हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ फ़न किया था, कुछ स्नॉर्कलिंग किट हमने बुक करी थी यहाँ से $18 में। एंड फाइनली गाइस, हम वापस जा रहे थे यहाँ से टू माले एयरपोर्ट। सो माले एयरपोर्ट से हम चल चुके हैं दिल्ली की तरफ। वापस जाने का बिल्कुल भी मन किसी का भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे व्यू आप देख सकते हैं, ऐसा व्यू था। एंड चारों तरफ समुंदर, एंड आप छोटे से आइलैंड पे, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस, कोई पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो था, एंड बहुत ही अच्छा वहाँ पे वेदर था। सो फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे दिल्ली। सो गाइस, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फाइनली हम क्लोज कर रहे हैं अपना मालदीव्स का ब्लॉग, बट इसको ये मत सोचिए कि ये हमारा लास्ट ब्लॉग था। अभी हमारी बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाने की, क्योंकि हम जल्दी अपलोड करेंगे। एंड अगर आपने मालदीव्स का पूरा ब्लॉग नहीं देखा, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे, तो वन बाय वन आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इफ़ आपको कोई भी क्वेश्चन रहे, तो आप कमेंट में ज़रूर वहाँ पे पेस्ट करिए, तो हम आपके लिए एक वीडियो ट्राई करेंगे, एक नई वीडियो बनाने की, एंड टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। सो यहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड हिट द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।